हेलो एवरीवन, मैं सचिन भोर फोटो आर्टियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पैटर्न लाइटिंग के बारे में यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे, जिसमें गोडॉक्स की AD100 प्रो लाइट को हम लोग यूज़ करेंगे। उसी के साथ गोडॉक्स का एक फ्लैश हम लोग यूज़ करेंगे V1, जहाँ पर हमें पैटर्न लाइटिंग कैसे करनी है इसके बारे में पूरा नॉलेज देने का मैं प्रयास करूँगा। हमारे फिंगर्स का ही यूज़ करके बहुत क्रिएटिव पैटर्न बना सकते हैं। यहाँ पर आप प्रैक्टिकली देख रहे होंगे। और गोडॉक्स का 5-in-1 रिफ्लेक्टर जो है, उसका डिफ्यूज़र हम लोग यहाँ पर की लाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो कि सब्जेक्ट पर जो लाइट जाएगा उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल का जो पैटर्न बना है उसको डिस्टर्ब ये जो फ्रंट का लाइट है उसने नहीं किया है। और यहाँ पर अगर आप देखें प्रॉपर, तो सिर्फ फिंगर्स का यूज़ करके, फिंगर्स के पीछे से अगर हम लोग फ्लैश लाइट करते हैं, तो बहुत खूबसूरत पैटर्न यहाँ पर यूज़ होते हुए बनते हुए देख रहे हैं हम लोग। और ये एक ब्राइडल पोर्ट्रेट्स के लिए आप वेडिंग में भी बहुत खूबसूरती से यूज़ कर सकते हैं, या फिर कपल पोर्ट्रेट्स के लिए भी, क्रिएटिव फोटोग्राफी के लिए आप बहुत अमेजिंग तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। जिसमें हमें ये देखना है कि हम अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट कैसे करें, हमें लाइट का जो पावर है उसके ऊपर खेलना है। कम ज़्यादा पावर करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पैटर्न ज़्यादा नहीं बनाए, क्योंकि जो फ्रंट का साइड का जो लाइट है एक्चुअली उसका पावर ज़्यादा हो गया, या फिर उतना प्रॉपर पैटर्न नहीं बना। अगर फिंगर्स को हम थोड़ा सा अलग तरीके से यूज़ करें तो बहुत अमेजिंग पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। और ये सभी जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करोगे तो ज़रूर आपको ये सब रिजल्ट्स मिलेंगे आपके सामने, पूरे रिजल्ट्स। एक्चुअली हम लोग प्रैक्टिकली बताने का ये एक कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप अच्छे से समझ पाएँ। और बहुत अमेजिंग पैटर्न लाइटिंग यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमें गोडॉक्स का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो गोडॉक्स 100 और V1 लाइट से इतना खूबसूरत काम यहाँ पर हो रहा है। जहाँ पर हम लोग अभी एक जो वाटर का जो बॉटल है उसका भी यहाँ पर टेक्सचर का यूज़ करेंगे, और उसका जो कलर है एक्वा ब्लू, उसका देखिए कितना खूबसूरत यूज़ यहाँ पर हो रहा है। मूडी लाइट यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, उससे कुछ शेप्स भी क्रिएट कर रहे हैं। और ये एक छोटे छोटे ट्रिक्स बहुत काम में आते हैं हमें क्रिएटिव फोटोग्राफी करने के लिए। जहाँ पर हम इंतज़ार करते हैं कि कुछ टूल्स मार्केट में आएंगे तो हम खरीदेंगे और उससे करेंगे, उससे अच्छा अगर हमारे पास जो है उसमें अगर हम क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट करें तो ज़रूर हमें कुछ अलग रिजल्ट्स देखने मिलते हैं, और हमारा प्रोफाइल एक अलग तरीके से आगे जाने का यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलता है। तो देखिए, ये एक पेड़ के पत्ते हैं और उससे हम लोग पैटर्न लाइटिंग कर रहे हैं, पोर्ट्रेट में बहुत खूबसूरत इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कुछ शेप्स हम बना रहे हैं। अब देखते हैं इसका शेप किस तरीके से बन रहा है। देखिए, फेस का जो शैडो क्रिएट हो रहा है, तो शैडो में एक खूबसूरत प्रतिमा यहाँ पर दिख रही है। ये है महाराष्ट्र के दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, और उनका एक्चुअली इमेज बहुत खूबसूरती से शैडो में हम लोग ले रहे हैं। और आप फाइनल आउटपुट में देखेंगे कि इतना खूबसूरत रिजल्ट छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पर मिल रहा है। तो एक खूबसूरत कलाकारी है जो आप अलग अलग तरीके से यूज़ करके बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फोटो आर्टियो को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि हम नए नए वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो कि सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।